पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में किया है एसआईटी का गठन। ये बड़ी जानकारी एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में हुआ है एसआईटी का गठन। एडीजी समेत 50 पुलिस अधिकारी कर्मचारी एसआईटी में शामिल है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, महत्वपूर्ण क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ किया था कि एसआईटी की प्रक्रिया लंबित है, चल रही है, लेकिन इसी बीच आज ही गठन कर दिया गया है। कौन कौन इसमें शामिल किया गया है, जानकारी दीजिएगा। चलिए सहयोगी शिवेंद्र के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि एसआईटी के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा की आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात भी हुई थी और इसी बीच एडीजे के नेतृत्व में गठन किया गया है एसआईटी का। पेपर लीक को लेकर के ये बड़ा फैसला, कल प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि पेपर लीक माफियाओं के मंसूबों को नाकाम किया जाएगा, इसी वजह से एसआईटी का गठन होगा ताकि पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ी जाए। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, बताएगा एसआईटी का गठन हुआ है, कौन कौन से कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए हैं इसमें और कितनी महत्वपूर्ण एसआईटी की का गठन? देखिए जी, जो पूरा विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें ये दो जो मुद्दे थे वो छाए रहे थे। एक तो मुद्दा था पेपर लीक का, खुद जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में कहा था कि राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और जब सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जाएगा। तो एक ऐसा ही चीज बनी है सिखा पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए, पूर्व में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है उनकी जांच के लिए, और वो एसआईटी बनी है। जो एडीजी है, बहुत तेज तर्रार ऑफिसर है वीके सिंह, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनी है। इसमें एक आईजी होगा, एक एसपी होगा, कई सारे डिप्टी एसपी होंगे, एडिशनल एसपी होंगे, कुल मिला के 50 लोग होंगे। इसके अलावा एक दूसरी जो एसआईटी है वो एसआईटी बनी है संगठित अपराध को, और इस एसआईटी की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है दिनेश हेमंत को, और इसको नाम दिया गया है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, इसकी जो कमान दी गई है वो एडीजी दिनेश हेमंत को दी गई है। इसमें भी तकरीबन 3 दर्जन अधिकारी होंगे और दिनेश हेमंत इसको लीड करेंगे। तो जो जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन किया था और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पेपर लीक को रोकने के लिए उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है, क्राइम को खत्म करने की पहली प्राथमिकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सरकार के गठन के बाद अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रोमिसेस के लोगों से उनको पूरे कर रही है, और इसी परिप्रेक्ष्य में ये दोनों एसआईटी और जो टास्क फोर्स है वो बनाई गई है। बिल्कुल शिवेंद्र, और पहले ही दिन ऐलान और दूसरे दिन एसआईटी का गठन और बड़ा फैसला, इसे बेरोजगारों के सपनों को संजोए रखने के लिहाज से मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।